ऑडियो वन देश बंधु चितरंजन दास, लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। चितरंजन दास। सन 1908 की बात है। भारतवर्ष का राजनैतिक वातावरण पूरी तरह गर्म हो रहा था। देश भर में स्वदेशी आंदोलन की धूम मची हुई थी। अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करो की ध्वनि से आकाश गूंज रहा था। भारतवासियों की इस विद्रोही भावना को देखकर ब्रिटिश अधिकारी भी कुपित होकर दमन पर तुल गए। देश के सैकड़ों सुप्रसिद्ध नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार किए और ले जाकर जेलों में बंद कर दिए गए। स्वदेशी प्रचार की सभाओं को पुलिस लाठी चलाकर भंग कर रही थी। अनेक स्थानों में तो वंदे मातरम कहने पर गिरफ्तार कर लिए जाते थे। इस प्रकार जनता और सरकारी अधिकारियों में भयंकर संघर्ष हो रहा था। भारतीय नरनारी अपने जन्मसिद्ध अधिकारों की मांग कर रहे थे और सरकारी कर्मचारी आंदोलन को कुचल डालना चाहते थे। सरकार के दमन चक्र का प्रतिकार करने के लिए देश के कुछ नवयुवकों ने शांतिपूर्ण आंदोलन का मार्ग त्याग कर शस्त्र बल का आश्रय लेने का निश्चय किया। खुले तौर पर तो अंग्रेजों की आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना का मुकाबला कर सकना मुट्ठी भर व्यक्तियों के लिए संभव न था। इसलिए इन क्रांतिवादियों ने गुप्त संगठन बनाए और छिपे तौर पर बम बनाने तथा पिस्तौल आदि एकत्रित करने का कार्य आरंभ किया। बंगाल के क्रांतिकारी दल ने अपना सबसे पहला लक्ष्य कलकत्ता के एक मजिस्ट्रेट मिस्टर किंग्सफोर्ड को बनाया। वे स्वदेशी आंदोलन में पकड़े जाने वाले व्यक्तियों को कड़ी कड़ी सजाएं दे रहे थे। एक 15 वर्ष के लड़के को उन्होंने बेंत लगाने की भी सजा दी। इस पर क्रुद्ध होकर क्रांतिकारी दल ने मिस्टर किंग्सफोर्ड को मारने का आदेश दे दिया। क्रांतिकारियों की धमकी से डरकर मिस्टर किंग्सफोर्ड ने अपना तबादला मुजफ्फरपुर करा लिया था। इस कारण गुप्त दल के 2 सदस्य खुदीराम और प्रफुल्ल चंद्र चाकी उनको मारने वहीं पहुंचे। उन्होंने उनकी गाड़ी पर बम तो फेंका, पर उस समय उसमें मिस्टर किंग्सफोर्ड के बजाय 2 अंग्रेज महिलाएं बैठी थीं, जिनका देहांत उसी समय हो गया। इस घटना से सरकारी क्षेत्र में रोष और बदहवासी का तूफान आ गया और भारतीय आंदोलनकारियों के विरुद्ध विषोद्धार प्रकट किए जाने लगे। एंग्लो इंडियनों के मुखपत्र पायोनियर ने तो यहां तक लिख डाला कि अगर कहीं एक अंग्रेज मारा जाता है तो उसके बदले 10 भारतवासियों को फांसी दे देनी चाहिए। सरकारी खुफिया पुलिस ने जांच करके खुदीराम को शीघ्र ही पकड़ लिया और प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तार होते समय पिस्तौल से गोली मारकर अपना अंत कर लिया। पर मामला यहीं खत्म नहीं हो गया। सरकार को विश्वास हो गया कि इन हत्याओं के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, इसलिए मुख्य कार्य उसके नेताओं का पता लगाना और दंड देना है। कुछ दिन बाद पुलिस जासूसों ने कलकत्ता में एक बम फैक्ट्री का पता लगा लिया और 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। युगांतर पार्टी नामक संस्था के सदस्य थे। इसके कुछ ही समय बाद श्री अरविंद घोष को भी हिरासत में ले लिया गया, जो उस समय नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल और वंदे मातरम अंग्रेजी दैनिक पत्र के संचालक थे। वकालत का अपूर्व आदर्श। मुकदमा बड़ी धूमधाम से चला। यद्यपि बम कांड से अरविंद का कोई प्रत्यक्ष संबंध न था और वे देश के एक प्रसिद्ध सार्वजनिक नेता और चोटी के विद्वान थे, पर सरकार का सबसे बड़ा रोष उन्हीं पर था। वह जानती थी कि अपने लेखों और भाषणों से उन्होंने नवयुवकों में वह भावना भरी है जिससे वे इस प्रकार देश के लिए प्राण देने को तैयार हो गए हैं। इसलिए सरकारी वकील मिस्टर नार्टन ने तरह तरह के प्रमाणों की भरमार करके 4 महीने तक सरकारी पक्ष उपस्थित किया, जिसमें अदालत द्वारा 200 गवाह, 4000 कागज पत्र और 500 दूसरे सबूत जैसे बम, विस्फोटक पदार्थ आदि की जांच की गई। अंग्रेज सरकार द्वारा लाखों रुपया खर्च करके हर तरह से यह चेष्टा की गई कि श्री अरविंद को मृत्युदंड या कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, पर उनकी तमाम कोशिश निरर्थक सिद्ध हुई और अंग्रेज जज को बाध्य होकर श्री अरविंद को छोड़ देना पड़ा था। इस आश्चर्यजनक फैसले का समस्त श्रेय था श्री अरविंद की वकालत करने वाले श्री चितरंजन दास को। यद्यपि भारतवर्ष में प्रतिभाशाली वकीलों की कमी नहीं है, बीते समय में कानून के एक से एक दिग्गज 50 विद्वान ऐसे हो चुके हैं जिनका नाम अदालती इतिहास में स्थायी हो गया
और जो अपार संपत्ति के साथ सार्वजनिक यश और कीर्ति के भी भागीदार बन सके। पर उन सब में श्री चित्रंजन का सा उदाहरण मिल सकना असंभव है। निस्संदेह इन प्रसिद्ध वकीलों ने महत्वपूर्ण अभियोगों में अपनी कानूनी योग्यता का अपूर्व परिचय दिया था, पर उसके लिए अपने मुवक्किल से फीस के रूप में बड़ी बड़ी रकमें भी प्राप्त की थीं। लेकिन श्री चित्रंजन दास एक ऐसे वकील निकले जिन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में हद दर्जे की योग्यता प्रकट करके अपने मुवक्किल को यमराज की दाढ़ों में से सुरक्षित निकाल लिया था, और साथ ही इसके लिए जानबूझकर कई लाख रुपयों की हानि भी उठाई। इस प्रसंग पर टिप्पणी करते हुए उनके जीवन चरित्र लेखक श्री हेमेंद्र नाथ दास गुप्त श्री डी लिट ने लिखा है, चित्रंजन ने अपने मुवक्किल को बचाने के लिए बड़ी मेहनत की। उन्होंने इस मुकदमे में अपनी सारी बुद्धि और शक्ति लगा दी थी तथा अपना पक्ष सशक्त करने के लिए तत्संबंधी उपलब्ध सभी फैसलों और कानूनों का अध्ययन किया। 10 महीने तक चित्रंजन ने अरविंद के मुकदमे में रात दिन एक कर दिया। उन्होंने इस मुकदमे को न केवल बिना किसी प्रकार की फीस के स्वीकार किया, बल्कि इसके कारण उनको अपनी घोड़ा गाड़ी बेच देनी पड़ी और व्यक्तिगत रूप से कर्ज भी लेना पड़ा। उनकी आमदनी बिल्कुल बंद हो गई थी, जबकि खर्चे ज्यों के त्यों बने थे। जिस समय मुकदमा खत्म हुआ उन पर लगभग 50,000 का ऋण था। श्री अरविंद ने भी अभियोग से रिहाई हो जाने के पश्चात उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा था, अप्रत्याशित रूप से वह आगे आया, मेरा वह मित्र, आप सबने उसका नाम सुना है, जिसने अपनी सब चिंताओं को एक तरफ रख दिया, अपने सारे मुकदमे छोड़ दिए, महीनों आधी आधी रात तक बैठा परिश्रम करता रहा और मुझे बचाने के लिए जिसने अपना स्वास्थ्य नष्ट कर लिया, उसका नाम है श्री चित्रंजन दास। जब मैंने उसे देखा तो मैं संतुष्ट हो गया। श्री चित्रंजन दास के जीवन की एक यही घटना इतनी महत्वपूर्ण है जिसके आधार पर उनको उच्च कोटि का महापुरुष माना जा सकता है। वकील का पेशा हमारे देश में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उनमें से अधिकांश मुकदमों के ठीक या गलत होने का ख्याल छोड़कर अधिक से अधिक रुपया कमाने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। यद्यपि देश के अधिकांश नेता आरंभ में वकील ही थे, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मालवीय जी जैसे महान नेता भी इसी क्षेत्र में से आए थे, तो भी सामान्य जनता की दृष्टि में यह पेशा कभी प्रशंसनीय और श्रद्धास्पद नहीं समझा गया। पर दास बाबू ने श्री अरविंद के अभियोग में स्वार्थ त्याग की हद करके यह दिखला दिया कि यदि मनुष्य के हृदय में सच्ची परोपकार भावना हो तो यह प्रत्येक अवस्था में तदानुसार आचरण कर सकता है। जो परिस्थितियों का नाम लेकर समाज सेवा के कार्यों से विमुख होकर रहते हैं, उनके लिए दास बाबू का उदाहरण शिक्षाप्रद हो सकता है।